साथियों नमस्कार। साथियों 16 तारीख को हिसार में जो लाठीचार्ज हुआ और बहुत बुरी तरह से लोगों को वहाँ पर पीटा गया, सिर पाड़े गए हैं, हड्डियाँ तोड़ी गई हैं, बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, तो उसमें आज मीटिंग हुई थी जिसमें खापों के प्रधान थे, सभी संगठनों के प्रधान थे और बड़ी लंबी बहस के बाद जो उसमें फैसला लिया है उसमें ये हुआ है कि एक तो पुलिस ने हमारे से धोखा किया है, उस दिन हमें नहीं बताया कि मुकदमा दर्ज है और उसके बाद पुलिस ने अपने जो है वो मेडिकल करवाए हैं, तो हमने भी अपने मेडिकल करवाने का फैसला लिया है। सभी लोगों को जिनको चोटें हैं उनको मेडिकल करवाने के लिए बोला गया है। और दूसरा सरकार से मांग की गई है कि उन लोगों पे मुकदमा दर्ज करें जिन पुलिस वालों ने बट्टे मारे हैं। बट्टा किसी कानून में नहीं आता, बट्टा मारना किसी कानून में नहीं है। बट्टे मारे हैं, लोगों के सिर में बट्टे लगे हैं, सिर पटे हैं, उस मर भी सकता है आदमी। और जो कोरोना उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, कोरोना उल्लंघन तो सरकार ने किया, सरकार पे और प्रशासन पे, कोरोना के उल्लंघन का मामला उन पे दर्ज किया जाए। और जो बाकी अगला जो इसके निर्णय लिया गया, अगर सरकार ये तुरंत नहीं मानती है तो 24 तारीख को हिसार में कमिश्नर ऑफिस पे प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। क्रांतिमान पार्क में सुबह 10 बजे 24 तारीख को सुबह 10 बजे इकट्ठे होना है। और जो चार पांच जिले पड़ते हैं हिसार कमिश्नरी में, उन सबको आना है। और बाकी पूरे हरियाणा से जो भी भाई आ सकता है उसको आना चाहिए। ये प्रदर्शन हमने 24 तारीख को करना है और 24 तारीख को ये प्रदर्शन करने के बाद अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 24 तारीख को वहीं पे अगले प्रोग्राम की घोषणा कर दी जाएगी और उसकी जो जिम्मेवार होगी, जो अगला प्रोग्राम होगा उसकी जो जिम्मेवार होगी फिर वो सरकार होगी उसकी जिम्मेवार। और सब ने जो है वो 24 तारीख को यहाँ पे पहुँचना है और अगला प्रोग्राम 24 को ही घोषणा कर दी जाएगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।